स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर रोहतक से। इस वक्त आपको बता दें, मंत्री अनूप धानक का बयान सामने आया है, युवाओं को 75% रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेबर बोर्ड की बैठक कर ये विचार विमर्श किया गया। बीजेपी जेजेपी के घोषणा पत्र में ज्यादातर वादे एक जैसे हैं, प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर काम किया जाएगा। अनूप धानक का ये बयान आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी ये काम चलता रहेगा। और साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जो घोषणा पत्र है, चाहे वो बीजेपी का हो या जेजेपी का, ज्यादातर मुद्दे एक जैसे हैं। वहीं मंत्री अनूप धानक ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जेजेपी कटिबद्ध है और इसी के मद्देनजर लेबर बोर्ड की बैठक भी कर ली गई है। मंत्री अनूप धानक रोहतक में एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी के घोषणा पत्र के वायदे लगभग एक जैसे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा अध्ययन चल रहा है, कल भी हमने हमारे लेबर बोर्ड की भी और लेबर सभी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी मीटिंग बुलाई थी, सारे प्रदेश से सभी अधिकारी बुलाए थे। तो लगातार हमारा प्रयास है, जो हमने 75% की जो बात की थी उसको 75% को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे जो दोनों के कॉमन जो मिनिमम कमेटी बनी है उसमें हमारे निश्चित रूप से कुछ तो हमारे बिल्कुल मिलते जुलते हैं हमारे जो घोषणाएं हैं, और कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी अलग हैं, उन पर भी लगातार अध्ययन जारी है।